हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो में मैं आपको फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप क्लास 12th जो चैप्टर आपका टर्म 1 के एग्जामिनेशन में आने वाला है, एमसीक्यू के हिसाब से आने वाला है, वो कराने जा रहा हूँ। बेसिक से चीजें सारी, एडवांस तक चीजें कवर करेंगे। साथ साथ मैं बताता जाऊंगा कि कैसे कैसे एमसीक्यूज इसमें आ सकते हैं और क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज वीडियो को देखना जरूर, लाइक जरूर करिएगा और शेयर करना तो भूलिएगा मत। प्यारे से कमेंट की आपकी मुझे इंतजार रहेगी। सबसे पहले बात आती है सर मीनिंग की। सर पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु एग्री टू डू बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस। पार्टनरशिप एक एसोसिएशन है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, जो कि एग्री हुए हैं बिजनेस करने के लिए और जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी आपस में शेयर करने के लिए। या आप कह सकते हो पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है बिजनेस में, कम से कम दो या दो से ज्यादा पर्सन के बीच में, जहां पर वे प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं। बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन रहती है। बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए हमारी पार्टनरशिप में तीन पार्टनर हैं, ए बी और सी। ए ने कुछ ऐसा किया जिसके करने से फर्म को 10,000 रुपए का नुकसान होने वाला है, तो ये नुकसान सिर्फ ए नहीं झेलेगा, ये नुकसान तीनों झेलेंगे इन एग्रीड रेशियो। ऐसे ही बी ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से फर्म को फायदा होने वाला है, तो फायदा वो अकेले बी का नहीं है, तीनों को मिलेगा, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। डेफिनेशन क्या निकल के आ रही है सर? ये हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 4 कहता है पार्टनरशिप एक रिलेशन है पर्संस के बीच में जो एग्री हुए हैं बिजनेस करने के लिए, प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो यहां पे तो आपकी पार्टनरशिप की डेफिनेशन कवर होती है। क्या क्या एसेंशियल फीचर्स हैं जो पार्टनरशिप में होने चाहिए या होते ही हैं? देखो, सबसे पहले कम से कम दो लोग तो होने चाहिए, टू और मोर पर्सन। अगर आपको पार्टनरशिप बनानी है, फॉर्म करनी है, तो आपको कम से कम दो पार्टनर होने चाहिए जो कंपीटेंट होने चाहिए। कंपीटेंट यानी कि कैपेबल होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के। सर कौन कौन से पर्सन कैपेबल नहीं होते? भाई माइनर कैपेबल नहीं होता, यानी कि 18 साल से कम जो माना जाता है, दारूबाज और जिसको दौड़े पड़ते हो, अनसाउंड माइंड पर्सन, ये सब वो लोग होते हैं जो लॉ के द्वारा पार्टनरशिप में नहीं आ सकते। तो कौन होने चाहिए? कम से कम दो पार्टनर जो कंपिटेंट हो, यानी कि कैपेबल हो कॉन्ट्रैक्ट करने के, माइनर नहीं हो, अनसाउंड माइंड नहीं हो, वो पर्सन नहीं हो जो लॉ की नजर में बेकार है। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं फर्म में वो 50 से ज्यादा एक्सीड नहीं करने चाहिए, ये नया रूल आया था, ये आपको याद रखना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन द फर्म कैन नॉट एक्सीड 50। तो ये आपका पहला फीचर। यहाँ पे आपसे पूछे जा सकते हैं कि भाई पार्टनरशिप में कम से कम कितने पार्टनर होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने पार्टनर होने चाहिए, है ना, उनके बीच में रिलेशन होना चाहिए। अब दूसरी चीज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि सभी पार्टनर ने साइन किया है, उन्होंने एक रिटन एग्रीमेंट किया है जिसमें सारी कंडीशंस लिखी हैं, टर्म्स लिखी हैं कि हमारी पार्टनरशिप क्यों हुई है, कब से हुई है, कौन कितना पैसा लगाएगा, किसको कितना पैसा मिलेगा, जिसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। आगे चल के हम समझेंगे कि पार्टनरशिप डीड होती क्या है। नेक्स्ट फीचर है लॉफुल बिजनेस। जो आपका ये बिजनेस होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए, लॉफुल इन द सेंस कि लॉफुल होना चाहिए लॉफुल इन द सेंस कि कानून की नजर में लीगल होना चाहिए। अ पार्टनरशिप इज फॉर्म टू डू अ लॉफुल बिजनेस विच इंक्लूड, ट्रेड भी हो सकता है, कोई प्रोफेशन भी हो सकता है,
एनी टाइप ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रनिंग एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ बिजनेस। अगर आप कोई एनपीओ फॉर्म चला रहे हैं, एनजीओ चला रहे हैं, वो आपके इस बिजनेस की फॉर्म में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है कि किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा। बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि मैंने भी आपको समझाया था कि सभी पार्टनर्स एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल की तरह काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तीन पार्टनर हैं ए बी सी। अब जो ए है और सी है, ये किसी काम में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बी नहीं कर रहा, तो जो ए होगा वो प्रिंसिपल माना जाएगा, सी होगा वो भी प्रिंसिपल माना जाएगा, लेकिन बी कौन बन जाएगा यहां पर? एजेंट। ठीक है ना। उसके बाद क्या क्या अधिकार होते हैं पार्टनर्स के? एक सबसे बड़ा फीचर रह गया पार्टनरशिप का, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म में कर्जा चुकाने का टाइम आएगा, डेप्ट चुकाने का टाइम आएगा, तो अगर फर्म की एसेट से वो डेप्ट नहीं चुक पा रहा है तो आपकी पर्सनल एसेट्स को भी बेचा जा सकता है डेप्ट को पूरा करने के लिए। ठीक है ना। ये आपके सभी पार्टनर्स के अधिकार होते हैं कि भाई मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस में पार्टिसिपेट करे, बिजनेस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उस पर कंसल्ट दिखाए, जो भी अकाउंट में जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको मैनेज कर सकता है, उसको जब चाहे देख सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस उसको मिलेगा एग्रीड रेशियो में, है ना। अगर उसने लोन दे रखा है और पार्टनरशिप डीड नहीं है तब भी 6% के हिसाब से लोन मिलेगा। ये सारी चीजें हैं, उसके मर्जी है नए पार्टनर को लाए नहीं लाए, अगर उसे पार्टनरशिप से बाहर जाना है तो नोटिस देना पड़ेगा, ये सारी चीजें होती हैं। अब बात आती है पार्टनरशिप डीड की। आपको एक बात याद रखनी है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है, सबसे पहली बात, जैसे अभी आप लोग YouTube पर बैठ के क्लास देख रहे होंगे, स्कूल में पढ़ने आते तो उसे स्कूल कहते हैं, कोचिंग में पढ़ने आते तो कोचिंग कहते हैं, ऐसे ही जिस छत के नीचे आपकी पार्टनरशिप हो रही है उस छत का नाम होता है आपका फर्म। आपके बीच में क्या चल रहा है? पार्टनरशिप, और जो लोग हैं वो कौन है? पार्टनर्स। ठीक है। अब यहां आता है कि सर अगर पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं हुई है, उस केस में सिर्फ दो चीजें प्रोवाइड होंगी, आपको याद रखना है। पहला, प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर में इक्वली बांटा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर में इक्वली बांटा जाएगा, और दूसरा, इंटरेस्ट ऑन लोन जो होगी वो 6% होगी। ये दो ही चीज होती हैं जब पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं होती। क्या क्या सर? इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा 6% और पार्टनर्स में प्रॉफिट एंड लॉस बांटा जाएगा इक्वली। अब देखते हैं क्या है सर पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं पार्टनरशिप के, बिकॉज ऑफ विच द पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लिखा होता है पार्टनर का नाम, एड्रेस, फर्म का नाम, एड्रेस, कहां से काम होगा, क्या काम होगा, कब स्टार्ट हुआ, किस पार्टनर ने कितना पैसा लगाया, किस पार्टनर को कितनी इंटरेस्ट मिलेगी, किसको ड्रॉइंग्स पर कितनी इंटरेस्ट देनी पड़ेगी, प्रॉफिट रेशियो लॉस रेशियो के हिसाब से बांटा जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या रहेगा, पार्टनर्स को रेमुनरेशन क्या मिलेगा, गुडविल की वैल्यू कैसे करी जाएगी, ये सारी चीजें आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है। इंपोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर आपकी पार्टनरशिप डीड है तो इंपोर्टेंस क्या है? आप किसी के खिलाफ केस कर सकते हो, ये एक आपके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट आ जाता है, डिफाइन करता है कि भाई पार्टनर्स के बीच में क्या रिलेशन है, आप किसी के भी खिलाफ केस कर सकते हो, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 100 रुपए से ज्यादा आप किसी के खिलाफ केस नहीं कर सकते, लेकिन कोई आप पर कर सकता है। पार्टनरशिप डीड करवाना कंपलसरी नहीं है, आप करवा भी सकते हो नहीं भी करवा सकते हो। ठीक है ना। अब जैसा कि मैंने प्रोविजन बताया कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है पार्टनर्स के बीच में तो क्या होगा, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बांटा जाएगा,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा 6%, रेमुनरेशन नहीं होगा, ठीक है। बात आती है लायबिलिटी की, तो मैंने आपको बताया प्रॉफिट फॉर्म अ सिमिलर बिजनेस, इन केस इफ अ पार्टनर अर्न प्रॉफिट फॉर्म अ बिजनेस दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ फर्म इन कॉम्पिटिशन विद द फर्म, देन सच प्रॉफिट अर्न ऑफ सच बिजनेस शैल बी पेड टू द फर्म। यानी कि अगर पार्टनर ने किसी दूसरे बिजनेस से पैसा कमाया है लेकिन वो सेम उसी तरीके का बिजनेस है जैसा पार्टनरशिप का कॉम्पिटिटर का है, तो वो पैसा जो उसने उस बिजनेस से प्रॉफिट हुआ है उसे वहां पर पेड करना पड़ेगा फर्म, ठीक है ना। हाँ, ये आपके सेक्शन दे रखे हैं, बेसिकली एक बार देख लेना, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, फिर पूछे आ सकते हैं। सेक्शन 30 कहता है कि माइनर पार्टनरशिप में आ सकता है सिर्फ बेनिफिट के लिए और जब पार्टनर एग्री करते हैं तो। सेक्शन 31 कहता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, सेक्शन 32 कहता है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, सेक्शन 69 कहता है रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म, ऑप्शनल है कंपलसरी नहीं है, और सेक्शन 35 कहता है डेथ ऑफ द पार्टनर। तो देन उसके बाद एलएलपी दे रखा है, एलएलपी ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है एक तरीके से आपके लिए। एलएलपी क्या होता है, पार्टनरशिप का ही एक अपडेट वर्जन है एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सभी पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, लेकिन यहाँ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में सिर्फ एक पार्टनर की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है, बाकी सभी पार्टनर की लिमिटेड होती है। अब यहाँ पर पहला कंसेप्ट आ गया आपका न्यूमेरिकल का। ऊपर जितनी भी थ्योरी हुई वहां से आपसे पूछा जा सकता है पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, पार्टनरशिप डीड है क्या, पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो क्या होगा, कोई भी फीचर पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सा फीचर है कौन सा फीचर नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, ये सारी चीजें ऊपर जो हमने पढ़ा वो एमसीक्यू फॉर्म में आ सकता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म, देखो बेटा एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और एक होता है चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करनी ही करनी पड़ेगी, जिसके लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि जब आपको प्रॉफिट होगा तभी आप बांटेंगे, जिसके लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का हिस्सा रहता है हमारा रेंट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का हिस्सा रहता है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक। आगे चल के हम सीखेंगे कि चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन क्या हिस्सा रहता है, वापस से चलते हैं। तो यहां पर मीनिंग दे रखा है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन क्या होता है, कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया और इसके बदले पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगी। अगर इंटरेस्ट स्पेसिफाइड है पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और अगर आपको क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट नहीं दे रखा है और पार्टनरशिप डीड भी नहीं है, उस केस में आपको 6% इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। क्या कहा जा रहा है, इट इज द इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म टू द पार्टनर फॉर द लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म। ये वो इंटरेस्ट है जो किसको दी जा रही है, पार्टनर को, क्यों, क्योंकि उसने फर्म को लोन दिया है। रेट अगर दे रखी है तो उस रेट पे दिया जाएगा, रेट नहीं दे रखी तो 6%। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताया, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो ये फर्म के लिए क्या है, खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में आएगा। तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन लोन, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन किसको मिल रही है, पार्टनर्स को मिल रही है, किसके ऊपर, पार्टनर्स लोन के ऊपर। तो उसके लिए ट्रीटमेंट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स लोन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर। अब आपको यहां समझना है, तो ये मैं थ्योरी की वजह मैं यहां पे इससे समझाता हूं।
देखिए ये चीज, स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पर आपसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है, ये आपको बहुत जरूरी है याद रखना। अभी मैंने आपको बताया था कि चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन जब बांटा जाता है जब आपको प्रॉफिट होगा, और ये हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब भी बनाते हैं जब आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन को एज अ चार्ज माना जा रहा है, उस केस में आपको वो चीज प्रोवाइड करनी ही करनी पड़ती है, चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस। आगे चल के एक दो केस आएगा तो मैं आपको क्लियर करूंगा ये बात। अब हम देख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाती है फर्म, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपके नॉमिनल नेचर के हिसाब से चलता है, तो जो फर्म को होने वाले सारे खर्चे या नुकसान डेबिट साइड में, और फर्म को होने वाले सारे फायदे या इनकम क्रेडिट साइड में। सबसे पहले तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्वेश्चन में आपको एक प्रॉफिट दे रखा होगा जिसको सबसे पहले आप बाई साइड में डाल लेंगे। देन उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल लगाएगा, जी हाँ सर कैपिटल लगाएगा, उस कैपिटल को ब्याज मिलेगी उस कैपिटल पर, जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये पार्टनर्स के लिए फायदा है, फर्म के लिए खर्चा है, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होगा। तो एंट्री क्या होगी अगर करोगे तो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डी आर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी, पार्टनर्स के लिए फायदा है, फर्म के लिए खर्चा है डेबिट साइड, पार्टनर को कमीशन, पार्टनर को रिजर्व। उसके बाद हम देखते हैं, हाँ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर्स को इंटरेस्ट, पार्टनर जब ड्रॉइंग्स करते हैं कैपिटल में से नहीं, याद रखिएगा, जब कैपिटल में से ड्रॉइंग्स करेंगे तब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं चार्ज किया जाएगा, जब आपको सिंपल ड्रॉइंग दे रखा है तब चार्ज किया जाएगा आपका। दूसरी चीज, अगर आपको क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा कि ड्रॉइंग कब करी गई है, आपको ड्रॉइंग दे रखी है ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन डेट मेंशन नहीं है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में जितनी भी ड्रॉइंग होगी उसको 6/12 लेके करेंगे। तो अभी यहां पर आपको ये क्लियर हुआ कि कौन कौन सी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में जाएंगी और कौन कौन सी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में जाएंगी। जो डेबिट साइड में आएंगे उनकी एंट्री, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू इंटरेस्ट कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी। ये आपको याद होने चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या आता है एमसीक्यू के लिए, और क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है। उसके बाद जो अकाउंट बनता है वो होता है हमारा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिनको पार्टनर्स बनाते हैं और उनके पास ऑप्शन होता है कि वो या तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं और या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। फर्क क्या रहता है, अगर वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं तो उनको दो अकाउंट मैनेज करने पड़ेंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपने आप में और एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट। लेकिन फ्लक्चुएटिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही अकाउंट आपको मैनेज करना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या क्या चीजें उसमें आती हैं वो आगे पढ़ेंगे, सबसे पहले डिफरेंस देख लेते हैं, मैंने आपको बताया था। तो अब दोनों में डिफरेंस मैंने भी आपको बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन होता है। तो यहां पर क्या कह रहा है कि इट इज प्रिपेयर आफ्टर ट्रेडिंग एन अकाउंट एंड देयरफॉर स्टार्ट विद ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया जाता है, तो या तो इसमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा आपको या ग्रॉस लॉस मिलेगा। वही बात करी जाए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद जो अकाउंट बनता है वो बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो इसमें या तो नेट प्रॉफिट मिलेगा या नेट लॉस। ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ये डिटरमाइन करना चाह रहे हैं कि हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना हुआ, और एप्रोप्रिएशन में हमें जब प्रॉफिट होता है उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेचर क्या रहता है, सेम नेचर है एक तरीके से,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट होते हैं, सारी जो इनकम है वो क्रेडिट होती है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मैंने भी आपको बताया था क्या क्या चीजें डेबिट होती हैं, क्या क्या चीजें क्रेडिट होती हैं। पार्टनरशिप डीड इसमें काम नहीं करती प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में काम करती है। मैचिंग प्रिंसिपल यहाँ फॉलो किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और मैचिंग प्रिंसिपल यहाँ फॉलो नहीं किया जाता। मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है, जहां पर हम रिवेन्यू को एक्सपेंसेस से मैच करते हैं। अब यहां पर आता है रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन व्हेन द एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, यानी कि जब एप्रोप्रिएशन ज्यादा है और प्रॉफिट कम है उस केस में क्या करते हैं। एप्रोप्रिएशन ज्यादा मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देनी है, सैलरी जो देनी है, ये सारी चीजें ज्यादा हैं और जो प्रॉफिट दे रखा है वो कम है। इस केस में सबसे पहली बात, हम लोग प्रॉफिट को ज्यादा करते हैं डिस्ट्रीब्यूट जिस रेशियो में हमें निकालना पड़ता है। हमें ये देखना होता है कि जो एप्रोप्रिएशन है वो टोटल कितना आ रहा है दोनों पार्टनर्स का, और उसी हिसाब से हम रेशियो ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल तीन पार्टनर हैं, तीनों पार्टनर्स को क्या क्या चीजें मिलनी चाहिए उनको जोड़कर तीनों के रेशियो निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहां पर तीन पार्टनर हैं, ए को सब मिलना है कुल मिला के 80,000, बी को मिलना है सब कुल मिला के 40,000, और सी को कुल मिला के मिलना है 20,000। तो हम इनका रेशियो ले लेंगे 40 यहां, 40 यहां, 40 यहां, और ये 2 1 2 2 2 4 2 4 4:2:1 रेशियो में जो हमारा प्रॉफिट होगा उसको बांट देंगे, क्योंकि यहां पर एप्रोप्रिएशन ज्यादा है और हमारा ये कम है। देन उसके बाद यहां पर देखिए हो गया ये। उसके बाद कुछ स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सबसे पहली बात पार्टनर बनाता है अपने अकाउंट, अलग अलग मेंटेन करता है किस पार्टनर को कितना बेनिफिट हो रहा है। उसके लिए या तो वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड को फॉलो करेगा, अगर वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड को फॉलो कर रहा है तो उसको दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसे कोई भी फ्लक्चुएशन करने की परमिशन नहीं मिलती, उसमें सिर्फ क्या होगा, जितना पैसा पार्टनर्स पहले लाया यानी कि जितना कैपिटल पहले दिया होगा वो आ जाएगा, अगर और कैपिटल उसने लगाया तो यहां आ जाएगा, अगर और उसने ड्रॉइंग करी है तो वो यहां आ जाएगी बाकी का बैलेंस। ओके, पार्टनर्स कैपिटल में क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल में सर पार्टनर्स को कोई भी फायदा हो रहा है, कोई भी नुकसान हो रहा है वो नहीं आएगा, बस क्या होगा, जो पार्टनर की पुरानी कैपिटल है वो बाई साइड में आएगी, क्रेडिट साइड में। पार्टनर ने और पैसा लगाया तो वो यहां ऐड हो जाएगा, पार्टनर्स ने ड्रॉइंग करी तो वो यहां आ जाएगी और बैलेंस। उसके बाद जो पार्टनर्स को फायदा हुआ है, अगर यहां बैलेंस आया है तो वो यहां आ जाएगा, और यहां बैलेंस आया है तो वो यहां आ जाएगा। देन हम आगे बढ़ेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे सर, पार्टनर्स को जो भी फायदा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में वो पार्टनर्स के लिए फायदा था, तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में कहां आएगा, क्रेडिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कमीशन है, सैलरी है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हुआ प्रॉफिट। वही जो भी लॉस है वो कहां आएगा, डेबिट साइड में, ठीक है ना, क्योंकि ये कौन बना रहा है, पार्टनर्स बना रहे हैं, तो पार्टनर्स को होने वाले नुकसान खर्चे डेबिट साइड में, और पार्टनर्स को होने वाले फायदे क्रेडिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, ड्रॉइंग्स है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ये सारी चीजें। वही अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को फॉलो किया जा रहा है उसमें हमको दो अकाउंट मेंटेन नहीं करना, उसमें आपका एक ही अकाउंट से काम हो जाएगा जिसको हम कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो वहां पर क्या होगा, क्रेडिट साइड में सबसे पहले पार्टनर्स की पहले कैपिटल कितनी थी वो आ जाएगी, उसके बाद जो हुआ फायदा और पैसा लगाया ये सब यहां, और जो खर्चे नुकसान है वो सब यहां। आपको याद रखना है, एमसीक्यू फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें डेबिट साइड में आएंगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें डेबिट क्रेडिट होंगी, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब यहाँ बात आती है सैलरी और कमीशन जो पार्टनर्स को मिलती है। इन ऑर्डर टू कंपनसेट द पार्टनर फॉर लुकिंग आफ्टर बिजनेस द फर्म पे सैलरी, जो हमारा पार्टनर्स होते हैं फर्म उन्हें सैलरी या कमीशन देता है। सैलरी और कमीशन अलाउड होती है पार्टनर्स को जब पार्टनरशिप डीड में लिखा हो। सच अमाउंट पेड टू द पार्टनर इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, यानी कि अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तभी बांटा जाएगा। सैलरी टू अ पार्टनर इज नॉर्मली स्टेटेड एज एन अमाउंट, वेयर एज कमीशन टू पार्टनर इज नॉर्मली स्टेटेड एज अ परसेंटेज। सैलरी जब भी पार्टनर्स को दी जाएगी तो वो एक अमाउंट में लिखा होगा, लेकिन कमीशन जब दी जाएगी तब वो अमाउंट में लिखी नहीं होगी, वो किसी परसेंटेज में लिखी होगी, वो चाहे बिफोर वाला फंडा हो या आफ्टर वाला फंडा हो। तो उसको समझने के लिए मैं आपको समझाता हूं कि देखो लाइन लिखी होती है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसका मतलब क्या है, अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो आपका जो प्रॉफिट है या जिसमें से आपको कमीशन देनी है, मान लो 1,00,000 का आपका प्रॉफिट है, 1,00,000 में से आपको कमीशन देनी है 10%, तो 1,00,000 upon 10 into 100। लेकिन अगर आफ्टर वाला केस है तो यहां जो 100 होता है उसमें रेट को हम ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 1,00,000 into 10 upon 110। ये आपको लाइन याद रखनी है बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग, यहां पर आपको केस भी दे रखा है। सर सैलरी दी जाती है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सैलरी और कमीशन इज एन एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कहां जाएगा डेबिट साइड में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहां जाएगा क्रेडिट साइड में जाएगा। तो अगर आप एंट्री करते हो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, और बात करो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर सैलरी अकाउंट डीआर टू कैपिटल। उसके बाद बात आती है आपकी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग। ये जो ऊपर अभी हमने जो भी पढ़ा है एमसीक्यू फॉर्म के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करी जाए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग, सबसे पहली बात तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग कैसे होता है। ड्रॉइंग्स एक अमाउंट होता है जो कि विड्रॉन किया जाता है, निकाला जाता है, वो चाहे कैश में हो या किसी काइंड में, पार्टनर्स के पर्सनल यूज के लिए। ये ड्रॉइंग्स कैपिटल में से भी हो सकती है, प्रॉफिट में से भी हो सकती है। जब कैपिटल में से करा जाता है तो उसे रेफर किया जाता है ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, और जब प्रॉफिट में से किया जाता है प्रॉफिट आर द अमाउंट विड्रॉन अगेंस्ट प्रॉफिट। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है इंटरेस्ट ऑन सच अमाउंट जो कि प्रॉफिट से निकाला गया है। अगर ड्रॉइंग्स प्रॉफिट में से करी गई है तभी उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लगेगा। यानी कि क्वेश्चन में आपको लिखा होगा कि जो ड्रॉइंग्स करी है वो कैपिटल में से करी है, उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं होगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सच इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज, मैंने भी आपसे कहा सच इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स के लिए एक खर्चा है और फर्म के लिए क्या है फायदा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में तो क्रेडिट साइड में जाएगा लेकिन पार्टनर्स कैपिटल में वो डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है ना। अब मेथड्स क्या होते हैं कैलकुलेट करने के, इसमें हमारे पास दो मेथड होता है, एक हमारा प्रोडक्ट मेथड होता है और एक हमारा सिंपल मेथड होता है, ठीक है ना। सॉरी प्रोडक्ट मेथड में दो मेथड दे रखे हैं और ये एवरेज पीरियड होता है। प्रोडक्ट मेथड जब यूज किया जाता है जब जो ड्रॉइंग्स है वो इररेगुलर है, आपको नहीं मालूम ड्रॉइंग्स कब की जा रही है। इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में ऐसा होता है जैसे कि मान लो आपको टाइम दे रखा है, पहली ड्रॉइंग 1 अप्रैल को हुई अमाउंट दे रखा है, फिर 1 मई को हुई, फिर 30 जुलाई को हुई, फिर 30 दिसंबर को हुई। यहां पर आपको टाइम दे रखा है लेकिन अलग अलग, यानी कि इररेगुलर इंटरवल्स हैं। इस केस में क्या होता है जो हमें मंथ दिया होता है यानी कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब एंड होगा 31 मार्च को, तो हम लोग पहले यहाँ मंथ निकालते चलते हैं, अप्रैल से लेके मार्च तक कितने महीने की ब्याज 12 महीने की, मई से लेके मार्च तक 11 महीने की, ऐसे निकालते जाएंगे। उसके बाद क्या करते हैं यहाँ जो अमाउंट होता है
उससे इसका मल्टीप्लाई करते हैं। मान लो यहां अमाउंट है 6000, 6000 इंटू 12 अपॉन 12 इंटू जो परसेंटेज आपको दे रखी होगी, ऐसे सबका निकालते जाएंगे और सबको जोड़ देंगे तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगी वो तो आएगी आपकी सिंपल मेथड से। और सबका ना निकाल के जो मंथ है अमाउंट का मल्टीप्लाई करते जाएंगे और सबका टोटल करके इंटू 1 अपॉन 12 और इंटू जो परसेंटेज है वो आपका प्रोडक्ट मेथड में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वही बात करी जाए एवरेज पीरियड मेथड की, एवरेज पीरियड मेथड में क्या होता है कि जो डेट ऑफ ड्रॉइंग है वो मालूम होती है, यानी कि जो ड्रॉइंग्स होगी वो रेगुलर इंटरवल्स में होती है। तो रेगुलर इंटरवल्स में आपको मालूम है कि जो पर्सन है वो हर महीने में की शुरुआत में, हर महीने के बीच में, हर महीने के एंड में ड्रॉइंग करेगा ही करेगा। तो वहां पर क्या होता है, टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो ड्रॉइंग की इंटरेस्ट की रेट होगी वो अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो टोटल ड्रॉइंग यानी कि टोटल ड्रॉइंग कितनी करी, हर महीने ही शुरुआत में कर रहा है पूरी साल का तो इंटू 12 कर देंगे, हर क्वार्टर में कर रहा है तो इंटू 4 कर देंगे, हर 6 महीने में कर रहा है तो इंटू 2 कर देंगे, साल की रखा है तो पूरा का पूरा आ जाएगा। बात आती है हमारी एवरेज पीरियड निकालने की। तो एवरेज पीरियड कैसे निकलता है बेटा, एवरेज पीरियड हमारा कैलकुलेट होता है कि कितने महीने रह गए फर्स्ट ड्रॉइंग करने के बाद, मंथ रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। जब पार्टनर ने या किसी ने पहली ड्राइंग करी उस ड्राइंग को करने के बाद कितने महीने बचे, प्लस जब आखिरी ड्राइंग करी उस ड्राइंग को करने के बाद कितने महीने बचे, और दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं, आपका एवरेज पीरियड निकल जाएगा। इसके लिए बस आपको यह देखना है कि उसने पहली ड्राइंग कब करी है और आखिरी ड्राइंग कब करी है। जनरल एंट्रीज वही होंगी भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड में आता है, तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में आता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना। अब यहां पर कुछ आपको पॉइंट्स दिए गए हैं रिमेंबर करने के लिए, तो जो बच्चे इसकी पीडीएफ वगैरह चाहते हो इसके नोट्स की वो मुझसे ले लीजिएगा, ठीक है ना। एमसीक्यू का बैच चल रहा है बेटा, स्टार्ट हो चुका है, अगर आपको उसमें अवेलेबल करना हो तो। वैसे ये रटने वाली सिस्टम है लेकिन आपको मैं बता दूं, आपको याद करोगे तो बढ़िया से समझ में आएगा कि मंथ रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग करने के बाद कितने महीने बचे, आखिरी ड्राइंग करने के बाद कितने महीने बचे, दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल की इंटरेस्ट क्या होती है, इन ऑर्डर टू कंपनसेट अ पार्टनर फॉर कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल, जो पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई उस कैपिटल के बदले उसे इंटरेस्ट मिलती है। इन केस एनी अमाउंट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर टू द फर्म इन फॉर्म ऑफ एडिशनल कैपिटल, उस पर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगती है। इन केस इफ एनी अमाउंट ऑफ कैपिटल इज विथड्रॉन, उस पर भी कैपिटल नहीं लगेगी, वो अमाउंट माइनस हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ प्रोविजन है जो आपको याद रखने हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड में कोई क्लॉज नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी जाएगी। अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेकिन साइलेंट है, साइलेंट है किसके लिए, कि इंटरेस्ट एज अ चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ एप्रोप्रिएशन माना जाएगा और सिर्फ प्रॉफिट के केस में प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि अगर लॉस होता है तो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, प्रॉफिट होता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा है तो प्रोवाइड किया जाएगा, प्रॉफिट होता है लेकिन उतना नहीं है जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, यानी अभी जैसा वाला अभी थोड़ी देर पहले आपने केस देखा था व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट, उस केस में जो प्रॉफिट होगा उसी को उनके कैपिटल रेशियो में एप्रोप्रिएशन रेशियो में बांट दिया जाएगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि भैया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, यहां पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज मान के चल रहे हैं, वहां पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा का पूरा प्रोवाइड करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए फायदा है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में तो डेबिट साइड में आएगा और पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में आएगा। और आई होप, ये उम्मीद तो कर सकता हूं मैं कि आपको एंट्रीज समझ में आ गई होंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर निकाली जाती है, ओपनिंग कैपिटल यानी कि 1 अप्रैल की।
अगर आपको क्वेश्चन में 31 मार्च की कैपिटल दे रखी है तो पहले आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, जो आपके कैपिटल दे रखी है साल के एंड में उसको लिख लिया, और अगर पूरी साल कोई भी अमाउंट आपने विड्रॉ किया है तो वैसे तो उसे लेस करते थे, लेकिन यहां क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जस्ट उल्टा। पूरी साल में अगर और पैसा लगाया है तो उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, वैसे तो ऐड करते हैं लेकिन यहाँ पे लेस कर देंगे, तो आपकी वो कैपिटल निकल के आ जाएगी जो शुरुआत में थी। लेकिन अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें हम ऐसा करते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप फिक्स्ड को फॉलो कर रहे हो या फ्लक्चुएटिंग को। फिर बात आती है पास्ट एडजस्टमेंट की। पास्ट एडजस्टमेंट में क्या होता है कि कभी कभी जो पार्टनर्स होते हैं वो अकाउंट को क्लोज करने के बाद देखते हैं कि यार ये चीज करना तो हम भूल गए, उनको सही किया जाता है बाय एडजस्टिंग एंट्री और बाय एडजस्टिंग पास्ट एडजस्टमेंट। तो वो कैसे किए जाते हैं, देखो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहली बात देखो, इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। टेबल जैसे कि मान लीजिए तीन पार्टनर हैं, ए बी और सी, और एक ले लेते हैं हम फर्म को। यहां पर हम क्या करेंगे, ए का डीआरसीआर, बी का डीआरसीआर, सी का डीआरसीआर और फर्म का डीआरसीआर। क्वेश्चन में सबसे पहले आपको यह देखना है कि क्या चीज गलत बांट दी गई और कैसे। सबसे पहले हमें उस चीज को पार्टनर से वापस लेना है, ठीक। तो देखो, पार्टनर का डेबिट यानी कि उसका खर्चा, और पार्टनर का खर्चा यानी कि फर्म का फायदा, पार्टनर का क्रेडिट यानी कि उसका फायदा, और पार्टनर का फायदा यानी कि फर्म का नुकसान। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो पार्टनर्स को गलत प्रोवाइड कर दिया वो उससे वापस लेते हैं, वापस लेते हैं तो उसके डेबिट साइड में डालते हैं। फिर हम वो प्रोवाइड करते हैं उसी एक्चुअल कंडीशन में जो हमें प्रोवाइड करनी थी। अगर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, अगर वो सैलरी है तो पार्टनर से क्रेडिट साइड में जाएगी, और अगर वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है तो वो डेबिट साइड में जाएगी। उसके बाद हम टोटल करते हैं कि डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड, जो साइड ज्यादा होता है, जितने अमाउंट से ज्यादा होता है उतना अमाउंट हम लोग डाल देते हैं और वही एंट्री में आ जाता है। जैसे कि ए का डेबिट साइड ज्यादा आई तो एंट्री में ए डेबिट होगा, बी का क्रेडिट साइड ज्यादा आई तो एंट्री में बी क्रेडिट होगा। इसको हम डिटेल में क्यों नहीं पढ़ रहे, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन मुश्किल ही आए आपसे, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है। फिर यहां पर आपको दे रखा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट व्हेन ए मैनेजर इज एडमिट एज पार्टनर, ये आपको नहीं पढ़ना है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है किसी एक पार्टनर को या किसी दो पार्टनर को गारंटी मिली होती है। मान लो ए बी सी, ये तीन पार्टनर हैं और इस सी को गारंटी मिली है। अब ये नहीं दे रखा कि गारंटी किसने दी। फॉर एग्जाम्पल, इसको गारंटी मिली है कि किसी भी केस में तुमको प्रॉफिट कम से कम 10,000 मिलेगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसको प्रॉफिट कितना मिला। मान लो इसको प्रॉफिट मिला 8,000 का, कमी कितने की रह गई, 2,000 की। अगर कुछ नहीं दे रखा कि कौन कमी पूरी करेगा, तो जो इन दोनों के रेशियो होंगे उस रेशियो में ये लोग कमी पूरी करेंगे। लेकिन अगर लिखा होगा कि भाई ए ने गारंटी दी है या बी ने गारंटी दी है, तो पूरा का पूरा जो 2,000 की कमी है वो वही पार्टनर पूरा करेगा जिसको दे रखा है। तो यहां पर आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से खत्म होता है। फिर भी कोई अगर आपको डाउट है, कोई परेशानी है, अगर नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में, या मेरा नंबर है 9690105047, यहां पर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए बेटा।